बातें होती है। फोन पे क्या सांस लेना भूल गया मंसूर जी? फेसबुक पे सारा अली खान ने क्या सुशांत सिंह को याद कहा 2017 में? मैं जाना चाहती हूँ। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं हरिराम। आज हम आपको बताएंगे कि बॉलीवुड के फिल्म केदारनाथ मूवी के अंदर सारा अली और सुशांत सिंह राजपूत के और उसके 4 साल पूरे होने के उपरांत में एक्टर सारा अली खान ने एक पोस्ट किया और सुशांत सिंह राजपूत को लेकर भी कुछ कैप्शन में लिखा और कहा कि मैं 2017 में जाना चाहती हूँ और मुझे ये सपना है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि सारा अली खान जो है हमेशा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है और एक्टिव रहने के साथ साथ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो वीडियो और फोटो डालते रहते हैं और उनके बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। प्यार देते ही जो है सारा अली खान ने एक आज ऐसा फोटो और वीडियो अपने सोशल मीडिया साइट पर डाला कि फैंस को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए और देखने का वहीं पे इस सोशल मीडिया पर जो है सारा अली खान के केदारनाथ मूवी से डेब्यू करने वाली बॉलीवुड की सारा अली खान जो 4 साल पूरे हुए केदारनाथ के खुशी के मौके पर आज उन्होंने एक पोस्ट किया और इस पोस्ट में बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा चिट्ठा लिख दिया कैप्शन में। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि वो सारा अली खान जो है सीधा सीधा सुशांत सिंह राजपूत को याद करते हुए और वो कुछ उनके जो टीम है केदारनाथ में जो शूट के दौरान थी उनको याद करते हुए सीधा सीधा कैप्शन में लिखा कि सुशांत सिंह राजपूत स्काई और किताब बहुत ज़्यादा उनके अंदर नॉलेज थी और वो स्टार से बहुत कुछ सीखा। वहीं पे सारा अली खान ने कुछ टीमों को याद करते हुए कहा कि जो भी केदारनाथ के शूट के समय टीम थे उनको बहुत बहुत बधाई हो और 4 साल केदारनाथ को लेकर। वहीं पे उन्होंने इतना ही नहीं आगे उन्होंने बताया सुशांत सिंह राजपूत और टीम को लेकर कि वो नदियों का आवाज़, वो कुरकुरे की आवाज़ और वो 4 बजे उठना और सुबह जाना और इतना जल्दी सब चीज़ हो जाना वो थाईलैंड किसी और से नहीं, हम सुशांत सिंह राजपूत से सीखे हैं। और वहीं पे उन्होंने बताया नहीं इतना ही कि अगर मुझे 2017 यानी अगस्त में जाना पड़े तो मैं समझूंगा कि मैं बहुत बड़ा एक भाग्यशाली हूँ और इसकी वजह से मुझे कुछ भी कदम उठाना पड़े तो वो मैं करना चाहती हूँ और इसके लिए केदारनाथ की जो भी टीम थे उनको हमारी तरफ से सभी टीमों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ और शुक्रिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।